हेलो माय डियर लर्नर्स आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल माय नेम इज़ रोशनी एंड राइट नाउ वी आर लर्निंग टॉपिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेंटी ईडियोम्स एंड फ्रेजेस जो कि हम लोगों के डे टू तो डे लाइफ में यूज़ होता है या फिर हम लोगों को यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि इन्हीं इडियम्स एंड फ्रेजेज की वजह से हम लोगों का इंग्लिश रिफ़ाइन हो जाता है और एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलने में यही फ्रेजेस और इडियम्स मदद करता है ठीक है तो आज मैं आपको बताऊंगी ट्वेंटी ऐसे इडियम्स उनके ओरिजिन के साथ उसके साथ मैं डिस्कस ऑफ कोर्स उनका मीनिंग और कैसे यूज़ करना है उसको सेंटेंस में ये भी हम लोग जानेंगे ठीक है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ट्वेंटी सच इडियम्स एंड फ्रेजेस व्हिच आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर आवर डे टू डे कन्वर्सेशन इफ वी स्टार्ट यूजिंग दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस इन आवर सेंटेंसेस देन सर्टनली वी आर गोइंग टू हैव एक्सलेंट कन्वर्सेशनल स्किल्स इन फ्यूचर तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट इडियम्स फर्स्ट इडियम विच आई हैव चोजन फॉर माई क्लासेज वेट बिहाइंड द ईयर्स वेट बिहाइंड द ईयर्स ठीक है इसका मतलब है टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस इस इडियम का मतलब है बहुत ही यंग होना नौजवान होना और बिना एक्सपीरियंस के एक नौजवान जिसको किसी भी चीज़ के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको बोलते हैं वेट बहाइंड द ईयर्स चलिए इसको कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में देखते हैं एग्जाम्पल जो मैंने चूज किया है वो है ये द न्यू सेल्स मैं टेक्निक्स प्रूव्ड टू एवरीबडी एट द मीटिंग दैट ही वाज वेट बहाइंड द ईयर्स अब इसका माने क्या है मैं बता रही हूँ एक नया सेल्समैन है जो कि नौ सीखिया है एमट्योर मतलब नौ सीखिया जिसने अभी अभी वो काम करना शुरू किया है ठीक है तो द न्यू सेल्स मैन एमटोर टेक्निक्स मतलब जो आइडियाज़ एंड टेक्निक्स उसने बताया मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स को ठीक है उससे ये प्रूव होता है कि वो नौ सीखिया है उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है उस काम के बारे में उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना अब इसको कहाँ से शुरुआत हुआ ये भी जानना जरूरी है ठीक है क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस जब तक उसका स्टोरी uh, पता ना हो तब तक अधूरा सा लगता है ठीक है तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ मैं बताती हूँ आपको ये जो पर्टिकुलर ईडियम है वो है रिलेटेड एनिमल से ठीक है स्पेशली काल्फ जो कि बछड़ा बोलते हैं हिंदी में ठीक है तो वो बछड़ा जब जन्म लेता है तब उसका पूरा शरीर गीला होता है राइट पूरा ब्लड कवर्ड होता है ठीक है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है एज ही ग्रोज ओल्ड ओके एंटायर बॉडी गेट्स ड्राइड ठीक है जो भी वो ब्लड था वो सूख जाता है धीरे धीरे राइट लेकिन बड़ा होने के बाद भी एक जगह का ब्लड नहीं सूखता वो है कान के पीछे का ठीक है तो वहाँ से कहावत शुरू हुआ है वेट बिहाइंड द ईयर्स इसका मतलब है कि अभी तक तुम्हारे कान का पीछे का पानी नहीं सूखा और हम लोगों को सिखाने चले हो ओके okay? इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं राइट समबडी इज़ वेरी यंग टू से समथिंग और गेट इन्वॉल्व इन समथिंग सो आई होप फर्स्ट ईडियोम आप लोगों को क्लियर हो गया लेट्स मूव टू अनदर इडियम नाउ नेक्स्ट इडियम इज बाइट द बुलेट बाइट द बुलेट ओके बाइट मतलब काटना ठीक है और बुलेट मतलब जो बंदूक से निकलता है बुलेट वो राइट right? ना बुलेट कौन खाता है बुलेट तो कोई नहीं खाता नो बडी ईट्स बुलेट राइट right? सो so, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये है to force yourself to do something unpleasant or difficult or to be brave in a difficult situation to iska matlab hai koi bhi unpleasant ya difficult task ko compulsion mein karna जो काम करना ही है अच्छा नहीं है लेकिन करना ही है उस वक्त हम लोग बोलेंगे bite the bullet, ठीक है और इसको ब्रेवरी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं राइट ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेव होना साहसी होना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में साहसी होना तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं राइट right? अब इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे ऐसे आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट मुझे डॉक्टर के पास स्पेशली डेंटिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा आई हैव टू बाइट द बुलेट मुझे यह सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा ओके okay? तो यहाँ पिक्चर में दिखाया है कि एक डेंटिस्ट है ओल्ड टाइम का डेंटिस्ट है जिसको ट्रीट करना है इस आदमी को ओके okay? इसी ने बोला बाइट द बुलेट दिस पर्सन हैड टू बाइट द बुलेट बिकॉज ही हैड टू मीट विथ हिस डेंटिस्ट ओके अब इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स अगर इसके ऑरिजिन के बारे में बात करें तो ये बाइट द बुलेट जो फ्रेज़ है वो यूज़ किया था रूडियार्ड किपलिंग ने रूडियार्ड किपलिंग का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा ये पोइट है और इन्होंने यूज़ किया था ये फ्रेज नाइन 1891 में अपने नोवेल द लाइट दैट फेल्ड इसके लिए और इसको आ, इसका डिराइव कैसे हुआ था कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ये मैं बता रही हूँ यूज़ रूडियार्ड किपलिंग ने किया था लेकिन यूज़ हुआ था आ, वे बैक हिस्ट्री में ठीक है जबकि जो सोल्जर्स थे उन लोगों का जब सर्जरी होना होता था तो उस वक्त कोई भी ऐसा दवा नहीं बना था जिससे कि उन लोगों को एनेस्थीसिया मिल सके ठीक है मतलब उस जगह सेंसलेस करके उनका सर्जरी कर सके इसलिए वो ज़्यादा चीखे चिल्लाए नहीं इसके लिए बुलेट को आ, उनको पकड़ने के लिए दिया जाता था ठीक है तो यहाँ से हम लोगों का फ्रेज बना पाइट द बुलेट ठीक है इसीलिए हम लोग किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को जब uh, बताना हो कि फेस करना ही है तो हम लोग बोलेंगे बाइट द बुलेट ओके आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ मैसेज इन आवर वीडियो लेट्स मूव टू दर्ड वन मेयर्स नेस्ट मेयर्स नेस्ट मेयर मतलब घोड़ा ठीक है उसका नेस्ट मेयर का कभी नेस्ट नहीं होता इजंट इट बर्ड का नेस्ट होता है बर्ड चिड़िया का नेस्ट होता है बट मेयर का नेस्ट नहीं होता बड़े एनिमल्स के नेस्ट नहीं होते इसका मतलब ये मच वांटेड डिस्कवरी व्हिच लेटर टर्न्स आउट टू बी वर्थलेस एक ऐसा डिस्कवरी जो कि महमत है अब मेयर के लिए नेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा इसमें जो भी का वगैरह लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा टाइम भी ज़्यादा लगेगा है कि नहीं तो इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आइडिया है नेस्ट का ये इमेजिनरी है ठीक है ये जो इडियम है वो इमेजिनरी है और इसको इस तरीके से इमेजिन करके बनाया गया है कि आदमी को दिखा सके कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जब हम लोग बर्ड के लिए नेस्ट बनाते हैं तो छोटा सा नेस्ट बनेगा क्यूट सा जो कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा या फिर चिड़िया भी बनाती है अपना घोसला तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेती है लेकिन यहाँ पे ये जो घोड़ा है उसको ना ही ये घोंसला बनाने का कोई स्किल है ओके और न उसको बनाना है ठीक है बनने के बाद भी वो इस घोंसले में तो बैठने वाला नहीं है तो ये ऐसा डिस्कवरी जो कि बाद में जाके वर्थलेस हो कोई किसी काम का भी ना हो उस सिचुएशन को बोलते हैं मेर्स नेस्ट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समान टाइम लगा के ये नेस्ट बनाया और बाद में ये घोड़ा भी वहाँ पे नहीं रुकेगा ठीक है इसलिए ऐसा डिस्कवरी जिसमें पैसा भी लगा टाइम भी लगा लेकिन उसका जो प्रोडक्टिवनेस जो है वो कुछ नहीं है उसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते Alright? तो एक confused situation को दर्शाता है। Alright? I hope it's clear to you all. अब हम लोग इसको sentence में कैसे करेंगे देखते हैं। हैनी वन कैन कॉम्प्रिहेंड स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज है ओके okay, इसको मेरस नेस्ट के साथ कंपेयर किया गया है जिसको समझना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर मनरेगा टर्नड आउट अ मेयर्स नेस्ट मनरेगा जो गवर्नमेंट uh, का स्कीम है ठीक है गवर्नमेंट का स्कीम जो है uh, ये सोचा गया था कि प्रोडक्टिव होगा लेकिन ये मेयर्स नेस्ट हो गया ये कन्फ्यूज सिचुएशन हो गया यहाँ पे कौन कम्प्लीट करेगा कब कम्प्लीट होगा कितने लोग जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए काम कम्प्लीट हुआ या नहीं हुआ उसका कोई लेखा जोखा कुछ नहीं है और कब कम्प्लीट होगा इसका तो और भी श्योरिटी नहीं है ठीक है तो जो काम स्टार्ट हुआ था पैसा और समय देने के बाद वो प्रोडक्टिव नहीं है आज के डेट में उस सिचुएशन को बोलते हैं मेयर्स नेस्ट ओके नेक्स्ट ईडियम इज गुड सैम रिटर्न गुड सैम रिटन इट मीन्स सम वन हुल्प्स अनदर इन नीड फॉर कम्पेशनट मोटिव्स एंड विथ नो थॉट ऑफ रिवॉर्ड गुड सैम रिटर्न का मतलब यही है कि जो दूसरों की खुले दिल से मदद करता है बिना अपने बारे में सोचे ओके बिना ये सोचे कि ये काम करने के बाद मुझे पैसा मिलेगा नाम मिलेगा और शोहरत मिलेगा ठीक है जो कि सेल्फलेस भाव से काम करते हैं लोगों के लिए समाज के लिए उसको बोलते हैं गुड सैम ओके अब इसको कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं द बे गव वॉज लाइंग शिवरिंग ऑन द रोड वेन अ गुड सैम रिटन केम अलोंग एंड गेव हिम अ ब्लैंकेट एंड सम क्लोथ्स तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अच्छा काम करता है उसी को यहाँ पर लेके यूज़ हुआ है सेंटेंस में एक भिखारी जो कि ठंड में कांप रहा था शिवरिंग मीन्स कांपना ना ठीक है ऑन द रोड रास्ते में और गुड सैमरिटन एक गुड सैमरिटन आया आने के बाद उसको एक ब्लैंकेट दिया और उसके साथ गर्म कपड़े भी दिए Right, अब इसको वो आपस में कुछ नहीं चाहिए इसको ये नहीं है कि वो गर्म होने के बाद आ, उसका उसके लिए काम करेगा या कुछ ठीक है वो सेल्फलेस नेचर के साथ काम कर रहा है गुड सैमरिटन तो उसको हम लोग ईडीओम में यूज़ कर सकते हैं अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये मैं बताती हूँ आप इसका ओरिजिन के लिए हमको जाना पड़ेगा बाइबल के स्टोरीज में बाइबल में क्या है कि स्टोरीज बताया गया है जिसमें कि एक मॉरल लेसन होता है है ना तो उसी स्टोरी uh, के एक स्टोरी में एक गुड सैमरिटन का जिक्र हुआ है ओके इज़ सैमरिटन इन द बाइबल एंड इन दैट स्टोरी देर वॉज अ पर्सन हु वॉज बीटन एंड रॉब्ड बाय रॉबर्स एंड ही वॉज लाइंग ऑन द रोड Okay, he was crying for help, but nobody stopped to help him. And there was a person who came and who helped him. Okay, there were, he was the only one who stopped for his help. And this is from where Good Samaritan idiom has come. Ye Good Samaritan is Bible, आदमी होता है जिसके पास आ, कुछ सामान होता है जिसको चोर वगैरह चोर और डाकू लूट के ले जाते हैं और उसको मार पीट के अधमरा करके रास्ते में छोड़ देते हैं तो आ, उसको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आता सिवाय एक इंसान इंसान के जिसका सैमरिटन बोला गया है तो यहाँ पे इसका ऑरिजिन हमको मिलता है बाइबल में ठीक है कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़पेपर में भी देखा होगा टाइटल लिखा था अ गुड सैम रिटन ठीक है उसका काम क्या था कि एक ट्रेन चलती हुई ट्रेन में एक लेडी को उसने बचाया था रॉबर्ट से ठीक है लुटेरों से तो उसको न्यूज़पेपर में हेडिंग के साथ न्यूज़ दिया गया था अ गुड सैम ठीक है तो यहाँ पे जो क्वालिटी है वो कंपेयर किया गया है राइट अभी मुझे लगता है आप लोगों को नंबर फोर वाला क्लियर हो गया इडियम लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन हेल्थियन डेज प्रनाउंसियशन विल बी हेल्थियन डेज ओके हेल्थियन डेज मतलब काम एंड पीसफुल डेज ऐसे दिन जिसमें कि कोई रश नहीं है यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये करना है वो करना है दस बज गया ऑफिस पहुँचना है ट्रेन नहीं मिलेगा गाड़ी नहीं मिलेगी जैम होगा ये सब का किसी चीज़ का टेंशन नहीं हो उस सिचुएशन को बोलते हैं हेल्थियन डेज ओके एग्जाम्पल है चिल्ड्रन एन्जॉय द हेल्शियन डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन समर वेकेशन में बच्चे लोग उनके पीसफुल डेज एन्जॉय करते हैं और सही भी है उस वक्त उन लोग न स्कूल जाना होता है ना ही कोई होमवर्क दिया जाता है और ना ही उनको स्कूल के बारे में कोई चिंता की ज़रूरत होती है इसलिए उन लोग हेल्शियन डेज एंजॉय कर रहे होते हैं तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स देर इज़ अ मिथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड और जो मिथ है उसके अकॉर्डिंगली एक देवता थे वो देवता थे हवा के ठीक है विंड गॉड तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था एल्शियन और ये जो एल्शियन थी वो एक राजा के प्यार में पड़ गई और उसने शादी कर ली उस राजा के साथ लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़की ने जिसे शादी किया था जो राजा था उसने समुद्र में कूद के जान दे दी और जान देने के बाद ये जो एल्शियन थी वो भी डिप्रेस हो गई और वो भी समुद्र में कूद के जान दे दी लेकिन लड़की के पिताजी जो थे वो तो देवता थे हवा के इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को डूबने नहीं दिया उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी को एक पक्षी बना दिया और वही पक्षी का नाम है हेल्शियन ठीक है लड़की का नाम था एल्शियन और बर्ड का नाम है हेल्शियन उसके बाद से जब भी ये हेल्शियन अंडे देता है चारों ओर शांति छा जा जाती है तो वहीं से ये जो इडियम है उसका सृजन हुआ तो फ्रेंड्स आज मैंने डिस्कस किया पांच इडियम्स एंड फ्रेजेस को आई होप यू ऑल विल प्रैक्टिस इट एवरी डे सो दैट यू विल बी वेल अक्वेंटेड विद दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस रेस्ट ऑफ़ द फ्रेजेस आई विल डू इट इन माई नेक्स्ट क्लास So till then we meet, take care and happy learning.